बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर क्लास फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट टू है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, फ्रॉम होम टू मार्केट। घर से मार्केट तक हमारा जो सफर है, ये हम एक कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी है विशाल की, और हमने पहले इसमें पढ़ा था कि डे एंड नाइट, जिसका बाप जो है वो सब्जी फरोश है, उसके साथ वो काम, उसके घर के तमाम लोग काम करते हैं और कैसे करते हैं, तो ये हमने पढ़ा था। तो आज हम आगे ले जा रहे हैं इसी टॉपिक को, ये पार्ट टू आज को ले रहे हैं पार्ट टू। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग फॉर द डे। अब डे की तैयारी, जो सब्जी फरोश है वो डे की तैयारी कैसे करता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है कि वो आपने उस पर गौर किया होगा। मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली। क्या आपके घर में कोई भी जो है वो सुबह बहुत जल्दी उठता है? अगर उठता है तो कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि ये लिख के आप कॉपी पे रखना, व्हाट टाइम डज ही और शी गेट, किस वक्त औरत है या मर्द है वो किस वक्त उठते हैं। और यहाँ हमने पढ़ा था कि इसका जो बाबूजी है वो रात की 3 बजे उठता था। Why do they need to get up so early? उसको क्या जरूरत पड़ती है, आपके घर वालों को क्या जरूरत पड़ती है जल्दी उठने की? जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये इनकी फैमिली, विशाल की फैमिली जल्दी उठती थी, इसलिए क्योंकि इनको सेटिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि ये सब्जी फरोश था और ये सेटिंग करता था, पूरी सेटिंग के साथ घर से निकलता था। तो आज हम यहां से आगे दूसरा टॉपिक इसका, फ्रॉम होम टू मार्केट पार्ट टू का, प्रिपेयरिंग फॉर द डे, इसके आगे हम चलेंगे। तो आप अपना सफर नंबर 137 निकालिए और मेरे साथ गौर से देखिए, मैं पढ़ूंगा। व्हाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। तो हमारे बाबू जी हैं वो हमसे अभी बाहर हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं, अम्मा और छोटू क्या कर रहे हैं, जो पिछले दिन की जो सब्जी है, दिन को जो सब्जी हम बेचते हैं, वो सब्जी में जो सब्जी बच जाती है दूसरे दिन, उसको फिर नहीं करने के तरीका क्या है कि मैं छोटू और अम्मा क्या कर रहे हैं, उस सब्जी को दोबारा हम बैग में निकाल के तैयार कर रहे हैं और उस पर पानी छिड़क रहे हैं ताकि वो ताजा लगे। बाई 6 AM, कितने बजे, सुबह के 6:30 AM, सुबह के 6:30 पर। तो बाबूजी कम बैक, बाबूजी वापस आए फ्रॉम द मंडी से, चूंकि वो मंडी पे चले गए थे, आटू आया था, हरण दिया था, हमने पढ़ा था, वो मंडी पे चले गए थे, वहां से सब्जी लाएंगे और दिन में वो सब्जी लेकर ये रेड़े पर जाएगा और वो सब्जी बेचेगा। तो अब जो पिछले दिन की सब्जी होती है वो मंडी में साथ लेकर जाना नहीं है, अब उसको फिर ताजा करने का एक नया तरीका होता है। जैसे हमने देखा कि सब्जियों में सब्जी फरोश जो होती है, सब्जी पर दिन को पानी छिड़कते रहते हैं ताकि ये गल ना जाए, ये सुकड़ ना जाए, ये ताजा रहे। तो वो चले गए थे, तो हम 6:30 बजे क्या हुआ कि हमने इस पर अपना काम शुरू किया। 6:30 बजे बाबूजी वापस आए फ्रॉम द मंडी से
with baskets and small bags full of fresh vegetables. किसके साथ? एक टोकरी के साथ, एक बास्केट के साथ और एक बैग के साथ, और क्या साथ में लाकर? ताजा सब्जियां. कौन सी? ताजा सब्जियां. At that time, उस वक्त our house looks more like a small vegetable market. उस वक्त हमारा घर क्या लगता था? जब बाबूजी आए, उसने देखा कि हमारा घर ऐसे लगता था, ऐसे नजर आता था कि बहुत ज्यादा छोटा वेजिटेबल्स मार्केट हमारे घर बना हुआ है, क्योंकि हमने सारी सब्जियां बिखेर के रखी थी, उसमें से अच्छी अच्छी सब्जी निकाल कर जो खराब हो गई थी, मतलब जस्ट पिछले दिन की, वो उसमें से निकाल रहे थे और ताजा सब्जी भी आ गई, तो एक छोटा सा मार्केट लग रहा था सब्जी का. देयर आर ब्रिंजल्स, टैटो, टमाटो और करा, यानी कि बकरी का गोश्त, और क्या कहते हैं बकरी के गोश्त को, टमाटो हो गया यानी आलू हो गया, प्याज हो गया, बैंगन हो गए, हैं पंपकिन हो गया, हैं ग्रेनेड चिलीज हो गया, हैं ग्राउंड चिलीज हो गया, एंड मेनी अदर्स वेजिटेबल्स. कौन कौन सी सब्जियां आ गई? जैसे ब्रिंजल्स, पोटैटो, पोटैटोज, टमाटोज, टमाटोज, ओकरा, पॉम्पकिन, उसके अलावा आ जाती है ग्राउंड चिली, चिलीज, एंड इसके अलावा ETC, इसके अलावा मेनी अदर्स, और भी बहुत सारे, ठीक है. दीज आर वेजिटेबल्स. द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुल रिप, यानी जो पकी हुई, पूरी पकी हुई नहीं होती है, एंड रेडी टू सेल, फरोख करने के काबल नहीं होती है, जो पकी होती है और पका हुआ वेजिटेबल्स और फरोख करने के काबल्स आर केप्ट इन साइड, उसको हम एक साइड में रखते हैं. जो कच्चा माल थोड़ा होता है, जो सब्जी, अभी कोई सब्जी ऐसी होती है जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं होती है, उसको एक साइड में रख देते हैं. वी हैव टू अरेंज द वेजिटेबल्स फास्ट. हम बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं तेज तेजी से. सो एज टू रीच द बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल. क्यों? कि हमें बाबूजी को जल्दी कहां पहुंचना है? बाजार पहुंचना है, है? और जल्दी जल्दी पहुंचता है, इतना पॉसिबल हो सके, मुमकिन हो सके इतना पहुंचता है. बाई 7 o'clock, बाई 7 बजे, 7 o'clock, 7 o'clock, 7 बजे बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट. तो तमाम जो सब्जी हैं बाबूजी ने अरेंज करके हैं उसने रेडी कर दी, एंड लीव टू बाजार, चले गए काम बाजार. ही से, उसने कहा, डैड इफ ही इज लेट, अगर मैं वहां देर से पहुंचूंगा, अगर मैं वहां देर से पहुंचूंगा तो क्या होगा? देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम अदर्स, क्या कहते हैं, अदर पर्सन, अदर समवंस एल्स, किसी और से वो खरीद लेंगे. अगर मैं लेट पहुंचूंगा, जो सुबह सुबह सब्जी के लिए हर एक शहर में हर एक सुबह जाता है मंडी में सब्जी लेने के लिए, हैं? उसने कहा अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो क्या होगा कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, मेरे ग्राहक हैं, वो सब्जी खरीद लेंगे किससे? किसी और से, दूसरों से खरीद लेंगे, हैं? और उससे हमें क्या हो जाएगा? नुकसान होगा. नतीजा उसका क्या होता है? फिर सब्जी इसकी बच जाएगी. As soon as बाबूजी लीव, जल्दी जल्दी बाबूजी वहां से चल पड़े. I quickly get ready as I have to reach school by 7 a.m. मैं भी तैयार हो गया स्कूल कहां? 7 a.m. में, 7 a.m. 7:30 a.m. 7:30 मैं भी तैयार हो गया 7:30 में कहां? सुकून. और
बाबूजी चले गए कहां पर, वहां पर सब्जी मंडी में। तो छोटू टेल सुकून, हाँ तो यहां तक हमने पढ़ा। तो अब आगे है इसका दूसरा जो टॉपिक है, इन द बाजार में क्या हुआ। अब बाजार में किस तरह क्या होता है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहाँ ही के बाबूजी ने किस तरह, तमाम घर वालों ने किस तरह मिलकर प्रिपेयर किया और बाबूजी किस तरह बाजार निकले, सब्जी कैसी लाई, प्राणी को क्या किया और उनकी टाइमिंग क्या थी। तो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी का पार्ट 3 जो है, इन बाजार में क्या हुआ, बाजार में जाकर या स्कूल में जाकर, मैं स्कूल गया बाबूजी बाजार गए तो क्या हुआ, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो आप खूब अच्छी तरह पढ़ना, घर में रहना, सेफ रहना और अपना ख्याल रखना। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।